हाँ जी बच्चों नमस्कार। बच्चों आज असी क्लास 11 दे फाइनल पेपर वास्ते दो चैप्टर्स दे एमसीक्यू लेके आए हैं। बच्चों चैप्टर फर्स्ट हैगा अपने को सेट्स, तो सैकेंड है कंपलैक्स नंबर। तो बच्चों ध्यान ना देखियो ताकि थोड़े क्वेश्चन चंगी तरह हो जाए, ठीक है जी। आ देखो बच्चो, फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ए, ठीक है। बच्चों ये कई एलीमेंट है, ओ यू यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है जी। तो यू स्केयर इक्वल टू 49 एंड टू यू इक्वल टू 14। हूँ देखो बच्चों सानू पता भी जे यू स्केयर इक्वल टू 49 है, इहदा मतलब है अपने कोलो यू इक्वल टू किन्ना आ गया प्लस माइनस 7। तो बच्चों सैकेंड कंडीशन ये भी है, एंड क्या बोलो जी, टू यू इज इक्वल टू 14। हूँ देखो साडे कोल यू दीआं दो ऑप्शन है, एक प्लस 7 है तो बच्चों सैकेंड है माइनस 7। पर तुहानूं पता सिर्फ प्लस 7 इहनूं करदी सैटिस्फाई, ओके। जे आपां इत्थे पुट करांगे माइनस 7 तां इट बिकम्स माइनस 14। इस करके कल्ला बच्चों क्या आना, इको ही यू अपने को पॉसिबल है, वह है यू इज इक्वल टू 7, ओके। तो देयरफोर ऑप्शन बी इज करैक्ट, इट इज़ ए सिंगलटन सैट। बच्चों देखो ध्यान नाल, कन्फ्यूज नहीं होना असी प्लस क्यों लिया, क्योंकि दो कंडीशंस है बच्चों, एक है यू स्केयर इक्वल टू 49, तो बच्चों दूसरा है टू यू इज इक्वल टू 14। तो यू स्केयर इक्वल टू 49 तो सानू बच्चों मिलिया यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 7, पर सिर्फ प्लस 7 ही टू यू इक्वल टू 14 नो करता सैटिस्फाई, माइनस 7 नहीं करता, तो अपने माइनस 7 नहीं लिया, ओके। हाँ तो बच्चों जरा इस जो कला एक एलीमेंट है 7, तो अपने कहेंगे इट इज ए सिंगलटन सैट। हाँ बच्चों द सैट ए इक्वल टू एक्स, एक्स इज ए प्राइम एंड डिवाइजर ऑफ 6। बच्चों पहली गल देखो, 6 दे डिवाइजर कड़े कड़े है, 1, ओके क्लियर, 2, 3 एंड 6। तो बच्चों ये जा रखियो 1, ए प्राइम नंबर नहीं है, असी लेना क्या है बेटा जी, अपने वो नंबर्स लेने जेडे 6 दे डिवाइजर है, ते नाल नाल क्या बोलो जी, वो प्राइम भी होन, क्यों जी प्राइम होन। तो बच्चों ये पहली गल याद रखो भी 6 दे डिवाइजर है 1, 2, 3 ते 6, क्लीयर। तो बेटा जी देखो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक्चुअली 1 इज ए स्पैशल नंबर, जोड़ा 1 है ना 1 बच्चों, इट इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, इको ये नंबर इदा दा जोड़ा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, बाकी बच्चों सारे नंबर के आए जा प्राइम होंगे जा होंगे वो कंपोजिट। बच्चों 2 इज ए प्राइम, ठीक है, 3 इज ए प्राइम, बट 6 इज नॉट ए प्राइम। तो बच्चों सैट क्या आया कला 1, 2, तो बच्चों जी इतो 2, 3, तो बच्चों ऑप्शन डी इज करैक्ट, एक ख्याल रखियो ऑप्शन डी इज करैक्ट। बच्चों द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 नु करो सोल्व, थानू पता ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों अपने को एक्स स्केयर प्लस 2x, अगे बेटा जी 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज एक्स कॉमन आया एक्स प्लस 2, माइनस 1 कॉमन आया तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज बेटा जी एक्स माइनस 1 तो एक्स प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज बेटा जी एक्स इक्वल टू 1 तो ए आ गया नाल माइनस 2, ओके क्लीयर। तो बच्चों ए अपने को आया तो सोल्यूशन सैट कि आया 1 ते माइनस 2, बच्चों ए आया 1 ते माइनस 2, ऑप्शन ए इज करैक्ट, ऑप्शन ए इज करैक्ट, ठीक है जी। अगे बच्चों नेक्स्ट द सैट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5 इज, बच्चों जो 5 के मल्टीपल है वो देखो 5 0 तो है ही है, 5 है, 10 है, 15 है, ओके 20 है, बल्कि ना प्लस माइनस भी ना आना बच्चों, एंड सो ऑन, ओके प्लस माइनस भी ना आएगा। तो ये ग्यारह रखियो, क्या बोलो जी, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। हाँ द सेट ऑफ पुअर स्टूडेंट्स इन द क्लास, बच्चों पुअर इज ए क्वालिटी, क्या है एक क्वालिटी है। तो बच्चों जिथे भी गल आवे ना क्वालिटी की, तो बच्चों वो सैट कभी भी वैल डिफाइंड नहीं होंगे। क्वालिटी मतलब जिदा डेंजरस एनीमल्स,
ओके ऑनेस्ट पर्संस, क्लियर, टैलेंटेड बैट्समैन, पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो बेटा जी जदों भी तुसी सैट मारने की कोशिश करो क्वालिटी बेस्ड, तो बच्चों वो कभी भी सैट वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो बच्चों ऑप्शन सी इज करैक्ट, ऑप्शन सी इज करैक्ट, इस गल का पहले ख्याल रखियो, ठीक है जी। हाँ अगे बच्चों देखो ध्यान ना, नैक्सट द सैट ऑफ इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, बच्चों इंटैलीजेंट फिर वही गल आ गई, क्या बोलो जी, क्वालिटी। तो जिते क्वालिटी आ जाए तो बच्चों सैट कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होंगे। द सैट ऑफ वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास, बच्चों ये भी क्या बोलो जी, वीक क्वालिटी है, तो बच्चों ये भी नोट डिफाइंड है। द सैट ऑफ गर्ल्स इन बॉयज स्कूल, हाँ बच्चों बॉयज स्कूल च थानू कोई भी गर्ल नहीं मिलेगी, एंड इट इज ए नल सैट, बच्चों इसके नाम बड़े है नल सैट, एम्प्टी सैट, बॉयड सैट, ओके क्लीयर। लिख दे बच्चों फाइनल है, तो बच्चों फाइनल लिख दे जा आप लिख दे इन इस तरीके नाल रोस्टर फॉर्म, ठीक है जी क्लीयर। हाँ बच्चों नल, ये नल सैट, बॉयड सैट या एम्प्टी सैट, या बच्चों पाइदा बैट पाली दी, ठीक है, बिच कोई एलिमेंट नहीं लिखना, तो भी एम्प्टी सैट में ही डिनोट करता, ख्याल रखियो। बच्चों नैक्सट द सैट ऑफ प्रिंसीपल्स इन ए स्कूल इज, थानू बच्चों थानू पता भी इको ही प्रिंसीपल हों स्कूल के बच्चे है ना, हाँ हरेक स्कूल का मुखी एक हों, तो बच्चों इट इज ए सिंगलटन सैट, सिंगलटन सैट। सैट ऑफ ईवन प्राइम नंबर इज, ओके तो बच्चों ईवन प्राइम नंबर वो सब दुनिया एक ही है, वह है टू, क्या जी टू, तो बच्चों ये भी क्या है, इट इज ऑलसो ए सिंगलटन सैट। द सैट ऑफ लैटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबैट इज, तो बच्चों किन्ने हैं सैट ऑफ लैटर्स, वो 26 है, इट इज ए फाइनाइट सैट, क्या है फाइनाइट सैट। द सैट ऑफ लैटर्स, सैट ऑफ लैटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबैट, बच्चों वो किन्ने है फाइनाइट है, ठीक है जी। हाँ अगे बच्चों नेक्स्ट द सैट ऑफ, इधर हो गया चलो लैटर्स फाइनल सैट है, अगे द सैट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन 00 इज, द सैट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन 00, बच्चों वो भी किन्ने आने बोलो जी, इनफाइनिटली मैनी, इनफाइनाइट सैट आना। द सैट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बच्चों देखो ध्यान नाल ये एक्स एक्सिस है अपना, है ना, हाँ ये एक्स एक्सिस है, तो बच्चों ए लाइन के पैरेलल है, ए लाइन पैरेलल है, ए लाइन भी ड्राइंग इन्नी वधिया नहीं है, पैरेलल बच्चों ए लाइन पैरेलल, ए लाइन पैरेलल, एंड पता कितनी आनी है इनफाइनिटली मैनी, ए है इनफाइनिट सैट, याद रखियो। पैरेलल एक्स एक्सिस कह ले, वाई एक्सिस कह ले, किसी भी लाइन के पैरेलल करे, अगला कह सैट ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, बच्चों भी क्या आना इनफाइनिट सैट, ठीक है जी। एक लाइन के पैरेलल लाइन कि होंगे इनफाइनिटली मैनी, गुड बच्चों गुड शाबाश। द नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ द सैट ए, ए वी इज, बच्चों एक गल याद रखियो, इफ ऑर्डर ऑफ ए एन हो ना, दैन नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ ए पता कितने आएंगे, वो आंदा टू द पावर एन, तो बच्चों ए ऑर्डर कितना जी टू, तो किन्ने आने बोलो जी टू द पावर टू, कितना आ गया फोर, ऑप्शन बी इज करैक्ट। ये देखो किन्ने एलीमेंट है थ्री, तो किन्ना आना बोलो जी टू द पावर थ्री, किन्ना आ गया एट, तो बच्चों ऑप्शन ए इज करैक्ट। ये किन्ने एलीमेंट है फाइव, तो किन्ने आने बोलो सबसैट टू द पावर फाइव, किन्ने जी 32, लो जी आंसर 32, ऑप्शन इज करैक्ट, क्या दिक्कत है ना, मेरे ख्याल च लग गया तुम्हें पता। हाँ जी बच्चों अगे देखो, इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 4n+1, बच्चों एक्स है एक्स कितना जी 4n+1, देखो बच्चों 4n क्या है, ए है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, तो प्लस 1 ऐड किया नाले, ठीक है। दैन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज, बच्चों जो देखो जोड़ा एन है ना, एन पहली गल एन कि जी ए 2 तो 5 विचकार लाई करता, क्लीयर है। तो बच्चों जो देखी जाए तो इधर कि एलीमेंट आएंगे, बच्चों एन 2 पुट करो कि 9, 3 पुट करो कि 13, 4 पुट करो कि 17, 5 पुट करो इक्वल टू है ना, 5 पुट करो बच्चों कि 21, क्लीयर है। तो बच्चों 4 आए तो तुम्हें पता जो 4 है तो कि आने सबसेट्स 2 द पावर 4, इट इज इक्वल टू 16,
ऑप्शन ए इज करैक्ट। हुण देखो एक्स इक्वल टू एन स्केयर, तो बच्चों एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, तो इधर एलीमेंट किहड़े हो गए बच्चों, इधर एलीमेंट हो गए अपने कोले, बोलो शाबाश, 1 square, 2 square, 3 square, तीन ही हुए, तो बच्चों किन्ने आने, 2 to the power 3 एंड इट इज इक्वल टू 8, ऑप्शन बी इज करैक्ट। बच्चों टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैव एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी देन द वैल्यू ऑफ एम इज, बच्चों देखो ध्यान नाल, टू फाइनाइट सेट है क्लियर ए एंड बी हैविंग एम एंड एन एलीमेंट्स, बच्चों एम ते एन एलीमेंट्स है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, मतलब ए जा रखियो, ए दे सबसेट्स किन्ने आने, 2 to the power n, ये क्लियर 2 to the power m ही आने, ठीक है जी, ते मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी, सबसेट बी किन्ने बोलो जी 112 मोर देन है 112, इदा मतलब है भी बीच किन्ने एलिमेंट है, किन्ने है n, ते बच्चो ज्यादा किन्ने है 2 to 112, ये जा रखियो किन्ने जी 112, ये ख्याल रखियो ठीक है जी 112, ते फाइंड द वैल्यू ऑफ एम निकालना आपा एम है ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, बच्चो एम निकालना कला एम तो मिलना नहीं, इस क्वेश्चन किसी ना किसी गड़बड़ है, कला एम नहीं मिलेगा, एम नहीं मिलेगा, बच्चों कला एम नहीं मिल सकता क्योंकि तुम एम लोगे तो कि हम देखते हैं आप, देखो जो ट्राई करते हैं आप, टू द पावर प्लस 112 कभी आना दस छपुंजा हाँ जी बच्चों, तो मैं गल दसदा बच्चों कला एम निकालना औखा दोनों आने चाहिए, इतने कि मिसटेक है तो मैं दस दिना, देखो ध्यान सानू पता भी 2 to the power m है इज इक्वल 2 to the power n इज इक्वल टू 112 है ठीक है, मतलब डिफरेंस चाहिए सानू, सानू चाहिए क्या है, सानू चाहिए बच्चों 2 to the power m माइनस 2 to the power n इट इज इक्वल टू 112, ये जा रखियो। हुण देखो बच्चों सानू पता भी जे एक एलीमेंट होवे तो दो सबसेट्स, दो एलीमेंट होन बच्चों 4 सबसेट्स, तीन एलीमेंट्स होन तो 8 सबसेट्स,
चार एलीमेंट होन तो बच्चों 16 सबसेट 16, फाइव एलीमेंट्स होन तो 32 सबसेट्स, बच्चों सिक्स एलीमेंट्स होन तो 64 सबसेट्स, सेवन एलीमेंट्स होन तो 128 सबसेट्स। क्लियर बच्चों? अगे एट एलीमेंट्स होन तो 256 सबसेट्स, नाइन होन तो बच्चों 512, तो जो 10 होंगे तो 5 10 24। हुण देखो बच्चों, ये देखो इदा डिफरेंस, आई थिंक देखो ध्यान 128 तो 116 दा डिफरेंस किन्ना जी, ए अपने को 112 है। इदा मतलब यह है भी ए टू दी पावर एन होया तो ए किन्ना जी टू दी पावर एम होया। ओके हाँ, तो बच्चो ए चारा वास्ते बनया तो ए बनया थोड़े आई थिंक चार पांच छे सात वास्ते, ये ख्याल रखियो। मतलब टू दी पावर सैवन माइनस टू दी पावर फोर इट इज इक्वल टू 112 है। ये मतलब एम किन्ना जी, एम है अपने को 7। ऑप्शन ए इज करैक्ट, ये ख्याल रखियो। तुसी करना क्या, तुसी ए सारे लिख ले मैं कि जे अपने को एन वन होया, क्लियर जो भी है ठीक है, जे सेट एलीमेंट एक हो तो बच्चों दे दो सबसेट्स, जे दो होए तो चार सबसेट्स, बच्चों जे सेट विच थ्री एलीमेंट्स होए तो उहदे 8 सबसेट्स, जे सेट च बच्चों फोर एलीमेंट्स होए तो 16 सबसेट्स, जे सेट च बच्चों फाइव एलीमेंट्स होए तो 32 सबसेट्स, तो जे बच्चों सेट च सिक्स एलीमेंट्स होए क्लियर तो बच्चों 64 एलीमेंट्स एंड सोन, चलते रहो। जे सेवन एलीमेंट्स होए तो 128 सबसेट्स, एट एलीमेंट होए 256 सबसेट्स, नाइन एलीमेंट्स होए तो 512 सबसेट्स, तो बच्चों जो 10 होए तो 1024 सबसेट्स। तुसी ओ दो चकने नंबर्स जिन्हां दा डिफरेंस 112 होए। ओके इहदा मतलब यह है कि जे बच्चों ऑर्डर ऑफ ए क्लियर है अपने कोल होवे 7 तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4 होवे तो डेफिनेटली ए दे सबसेट्स बी नालों 112 ज्यादा होणगे। क्लियर दी गल? हां ठीक है बच्चों, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ अगे बच्चों दा सेट 5 कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट बच्चों याद रखियो 5 कंप्लीमेंट होंदा यूनिवर्सल सेट। ते बच्चों यूनिवर्सल दा कंप्लीमेंट किना होंदा, इट इज इक्वल टू 5, ये गल याद रखियो। दूसरा बच्चों ए यूनियन ए कंप्लीमेंट जे मिला दिए तो बच्चों इट बिकम्स यू, बच्चों ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू 5, ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है जी। तो बच्चों 5 कंप्लीमेंट आ गया यू इफ टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट, बच्चों ता होंदे जदों उहनां दी इंटरसेक्शन क्या होवे 5, तो बच्चों ये किन्ना आ गया, ऑप्शन सी इज करैक्ट। देखो दो सबसेट्स तद ही होंगे डिसजॉइंट जदों बच्चों दोनों की इंटरसेक्शन किन्नी आवे 5, कुछ भी कॉमन आवे। बच्चों इफ ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी एक्स एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 6, दैन ए इंटरसेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ, बच्चों 4 ते 6 दा एलसीएम लो किन्ना आया, बोलो जी 2 4 3, तो बच्चों की ठीक है जी फिर 2 ना गया, ओके इतने 2 आ गया। ओके क्लियर, तो बच्चों ठीक है जाना नहीं अगे तो कि बोलो ए इट इज इक्वल टू 12, इट इज इक्वल टू 12, तो बच्चों वो आने 12 दे मल्टीपल जा रखियो। जे ए च थोड़े को 4 दे मल्टीपल्स होन तो बच्चों बी च होन थोड़े 6 दे मल्टीपल, तो जे देखो कॉमन तो बच्चों वो आने 6 दे मल्टी 12 दे मल्टीपल 12 दे मल्टीपल इस गल का ख्याल रखियो 12 दे मल्टीपल। क्लियर है? तुसी 4 ते 6 दा ले लेना एलसीएम, ठीक है जी बिल्कुल। नेक्स्ट 2 इधर सानू पता लग गया बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, तो बच्चों आ गया अपना आंसर 12। नेक्स्ट इफ यू इज इक्वल टू किन्ना जी एक्स के 5 माइनस 6x4 प्लस 11x³ माइनस 6x इक्वल टू 0 एंड बी किन्ना जी x² माइनस 5x प्लस 6 एंड यू है बी किन्ना जी एक्स ए बच्चों 0। ओके देन ए इंटरसेक्शन बी दा कंप्लीमेंट, बच्चों देखो ए इंटरसेक्शन बी दा कंप्लीमेंट किन्ना होंदा, बच्चों होंदा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये भी गल याद रखियो। पहले इदा करो दोनों दे कॉमन लो, देखो बड़ी सिंपल ही गल है बच्चों, कॉमन किन्ने आने ये देखो, पहले देखो कॉमन किन्ने आने इहदे, ये बच्चों इत्थे ए दा सेट है ना, ए सेट हल कर लियो बच्चों, ए सेट है अपने कोले 2 3 है ना, ए देखो कि सेट किन्ना, ए सेट देखो बच्चों किन्ना x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0,
बच्चों ये अपने को है एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो बच्चों ये आया अपने को एक्स, एक्स माइनस टू माइनस वन, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। बच्चों ये आ गया अपने को एक्स माइनस वन ते एक्स माइनस टू इक्वल जीरो। बच्चों ये आ गया अपने को एक्स इक्वल टू वन ते नाले टू। ठीक है, ये सैट है बच्चों अपने को वन ते टू। पहली गलती याद रखियो, वन ते टू मतलब ये आ गया अपने को टू थ्री। ओके, ये आ गया बच्चों अपने को वन टू। हुण ये देखो यू किन्ना, हुण इधर पांच एलीमेंट्स है। क्लीयर, तो मैं गल दसदा बच्चों पता क्या गल याद रखियो, इधर कौन सी टर्म नहीं है। तो जो देखा जाए ना ये किन्ना आना, तो बच्चों जी ये आएगा अपने को जीरो वन टू थ्री ते फोर। तुसी बोलो किदां गैस किया, क्योंकि देखो ये सैट है यूनीवर्सल मनदे, तो ए भी इहदा सबसैट है ते बी भी इहदा सबसैट है। ये गल क्लीयर है, क्योंकि जो ए सैट यूनीवर्सल है तो बच्चों ए भी उहदा सबसैट होगा तो बी भी उहदा क्या होगा सबसैट। तो बच्चों ए च एलीमेंट है टू थ्री, गल क्लीयर है। बच्चों बी च एलीमेंट किन्ना जी वन टू, किन्ना जी वन ते टू। चेक कर लिए चार, ठीक है दस ते नौ छे पंद्रह, ठीक है जी ओके वन टू। हुण हाँ वन फोर नहीं, मैं कह सकता फोर की गरंटी नहीं आता, दो मिनट बच्चों फोर की गरंटी नहीं, फोर तो है नहीं कि वन टू कॉमन भी है ना, ये कॉमन भी है। दो मिनट दो मिनट दो मिनट, इतने गड़बड़ हुई थोड़ी, अरेज कर देने हूँ। आप देखना भी एज कड़े कड़े एलीमेंट्स है, दिक्कत यूज कड़े कड़े है। बच्चों यू किन्ना जी अपने को, यू है अपने को एक्स सच दैट, किन्ना जी एक्स फाइव, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, माइनस सिक्स एक्स फोर, चेक करते हैं, प्लस इलेवन एक्स क्यूब, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जीरो। ओके ठीक है बच्चों, पहली गल देखो ध्यान, फिर मैं गल दसदा इतने बच्चों एक्स स्क्वायर कॉमन आया, तो इन हल करिए ना कि आया एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इट इज इक्वल टू जीरो। बच्चों जी दो इतों आया जीरो, वह भी दो बार क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यह आ गया जीरो जीरो। इतों बच्चों देखो ध्यान ये ज्यादा ही जीरो होना, तो जा बच्चों ये जीरो होगा, कि बोलो जी एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। सानू पता भी ए देखो ए च कड़े एलीमेंट्स है, हाँ दो मिनट सानू पता बच्चों ए च कड़े एलीमेंट्स है, ए इज इक्वल टू ए च अपने को टू थ्री। थोड़ा बच्चों क्वेश्चन सिंपल है पर थोड़ा ना वो है मतलब समझने वाला, टू थ्री ते अगे बच्चों बेटा जी वन ते टू, बिल्कुल सही गल है। हुण क्योंकि सानू पता जिहड़ा ए है ना वह यू का सबसैट है, क्यों क्योंकि यू इज ए यूनिवर्सल सैट, सारे बाकी सैट उहदे क्या होणगे सबसैट। बच्चों बी भी क्या है सबसैट है, इहदी डिग्री फाइव है, रूट्स पांच आने। बच्चों एक्स स्क्वायर जीरो है, दो रूट्स हो गए जीरो जीरो, मतलब एक इधर रिपीटेड रूट्स हो गए ना, दे ये रूट्स हो गए बच्चों रिपीटेड, दो तो पक्के हो गए, बाकी तीन तो ही आने ना, एक टू आएगा एक थ्री आएगा एक वन आएगा, ऑप्शन कोई नहीं। तो चेक भी कर लो, देखो वन चेक करो, जो वन पुट किया वन माइनस सिक्स प्लस इलेवन माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, वन सही रूट है। पुट करो टू, बच्चों एट माइनस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी टू माइनस सिक्स, बच्चों आ देखो ये भी कितना आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी ठीक है। पुट करो बच्चों थ्री ट्वेंटी सेवन, बिल्कुल ठीक है। अगे बच्चों फिफ्टी फोर प्लस थर्टी थ्री माइनस सिक्स, तो देखो बच्चों एक ना आया सिक्सटी का, एक ना आया अभी सिक्सटी, बच्चों अभी सिक्सटी, इट इज इक्वल जीरो। हूँ बच्चों यदा मतलब यू पता क्या है, यू क्या है जीरो वन टू ते थ्री, ये ख्याल रखियो। हूँ सब तीनों मिल गए, देखो ए मैंने मिल गया, बट इज ए वो टू थ्री है, बी वन टू है, तो बच्चों यू किन्ना जी, यू अपने को जीरो वन टू ते थ्री, लग गया पता। हूँ देखो ए कंप्लीमेंट किन्ना आया, पहले देखो ए इंटरसैक्शन बी किन्ना आया, ए इंटरसैक्शन बी बच्चों सिर्फ सिर्फ तो सिर्फ कितना बोलो जी इट इज इक्वल टू टू आया, किन्ना जी टू। तो बच्चों इहदा लेना कंप्लीमेंट, वो किन्ना आया टू का कंप्लीमेंट किन्ना आया बोलो, वो जीरो वन थ्री, बच्चों ऑप्शन सी इज करैक्ट, किन्ना आया हाँ। देर फोर देखो देर फोर
ए इंटरसेक्शन बी ए आया अपने को टू तो देर फोर बच्चो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट वह आया अपने को जीरो वन ते अगे कहना जी जीरो वन ते थ्री बिल्कुल सही बात है तो बच्चो ऑप्शन हाँ देर फोर बच्चो फिर सुन लो देर फोर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू जीरो वन ते थ्री आई थिंक इट्स क्लीयर लो बड़े ऑप्शन सी इज करैक्ट अगे बच्चो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट तुम्हें पता ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू कि बोलो जी इट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आई थिंक कोई डाउट तो नहीं बचो किसी कोई डाउट हो बचो किसी दस दो मैं हाँ जी बच्चों को डाउट ठीक है आई थिंक इट्स क्लियर हूँ देखो अगे बच्चों इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ये देखो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बच्चों थोड़ा लगता एग्जाम च भी ऐसी पेपर है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इट इज इक्वल टू बच्चों ए आंदा ए इंटरसेक्शन ए आ गया कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बच्चों ए लग गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट पहले बच्चों फिर बिच यूनियन हाँ अगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बच्चों फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट तुम पता भी ए तो ए कंप्लीमेंट कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं आता बच्चों इट इज इक्वल टू जस्ट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बच्चों ऑप्शन की बोलो जी डी इज करैक्ट तो बच्चों एक ना आया दिस वन हूँ देखो तो मैं गल दसदा एक जी ना ए माइनस बी ए होंदा बच्चों ए माइनस मैं तुहानू दसदा पहले ए होंदा बच्चों ए इहनू बदलो इंटरसैक्शन च बी कंप्लीमेंट तो बच्चों ए देखो ए माइनस ए हाँ ए माइनस तुम दसदा मैं रुको बच्चों बड़ा सिंपल है ए चो ए माइनस बी गया ए दसो इदा कर दे आप सैट यूनिवर्सल बच्चों सैट ए ए सैट ए बी सैट क्लीयर कोई डाउट बच्चों किसी में डाउट तो नहीं है ये दसो बच्चों ए है अपना ए जरा किता ना अपना छेड़ दिस इज ए माइनस बी ए माइनस बी ठीक है जी तो बच्चों जरा ए है अपने को दिस वन ए पूरा ए है जो बच्चों ए चो पूरे चो ए माइनस बी गया तो बोलो क्या बचिया मैं दसदा तो बच्चों बाकी अपने को आया दिस वन हाँ ए एंड बट इज दिस दिस इज ए इंटरसेक्शन बी ओके क्लियर तो बच्चों कितना आंसर आया ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट कोई डाउट लो बेटा जी कंपलैक्स नंबर है ना तो बच्चों फर्स्ट है आइटा दी पावर माइनस 47 बच्चों आया वन ओवर आइटा दी पावर 47 ये बच्चों आया आइटा स्केयर अंदर हाँ तो बच्चों बाहर कितना आया थोड़ा आया 47 है ना 47 मतलब 23 ये आ गया बच्चों नाल आइटा देखो ना तुसी इदा करो 47 करो डिवाइड दो नाल दो दुनी चार गए सत तो दो तीए छे एक किन्ना आया एक क्लियर ठीक है तो बच्चों किन्ना आया तो बच्चों ए बचा एक बचा अपने को ठीक है ए वन है तो नो डाउट वन ओवर माइनस वन दी पावर 23 इंटू आइटा कि
कितना है, इट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आइटा। तो बच्चों माइनस वन ओवर आइटा ए हो गया, इनू करो ऊपर थले मल्टीप्लाई आइटा नाल, बच्चों ये आ गया आइटा बटे माइनस, तो है ही है आइटा स्केयर, आइटा स्केयर बच्चों माइनस वन बाई, इट इज इक्वल टू आइटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों वैसे याद रखियो वन बाई आइटा होंगे माइनस आइटा, तो वन ओवर माइनस आइटा होंगे इट इज इक्वल टू आइटा, क्लियर। बच्चों अगे आइटा 61 प्लस आइटा वन, देखो आइटा दी पावर 61 प्लस वन ओवर आइटा दी पावर 121। बच्चों कितना आ गया आइटा स्केयर दी पावर 30 इंटू आइटा प्लस आइटा स्केयर दी पावर 60 इंटू आइटा माइनस वन दी पावर 30 इंटू आइटा प्लस माइनस वन दी पावर 60 इंटू आइटा। बच्चों ये आइटा प्लस वन ओवर आइटा तुम दस्या होनी मैं कि वन ओवर आइटा कितना होता माइनस आइटा एंड इट इज इक्वल टू जीरो एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगे बच्चों आइटा 13 प्लस आइटा 27, बच्चों आइटा 13 चिंता नहीं करनी, आइटा 13 प्लस आइटा 127 है ना, देयरफॉर बच्चों आइटा 13 प्लस आइटा 27 आइटा स्केयर इतने 6 इंटू आइटा प्लस आइटा स्केयर 26 इंटू आइटा, क्या दिक्कत है, माइनस वन दी पावर 6 इंटू आइटा प्लस माइनस वन दी पावर 26 इंटू आइटा, क्लियर। तो हाँ जी 27 है ना, ठीक है 14 है 13 ठीक है 12 13 ही ना, तो बच्चो इतने गलत हो, इतने 13 है ना बच्चो 13 ये क्या रखियो 30 सॉरी बच्चो बच्चो कितना आ गया आइटा एंड माइनस आइटा एंड इट इज इक्वल टू जीरो। अगे बच्चो वन इहदी वैल्यू कितनी आनी, वन प्लस आइटा स्केयर प्लस आइटा 4 प्लस आइटा 6 प्लस आइटा 2n, बच्चो 2n ईवन है, 2n क्या है ईवन है, याद रखियो ओके। तो मैं गल दसदा देखो जे वन प्लस आइटा स्केयर दे रोक दिए तो बच्चों आंसर आएगा जीरो, जे पर रुकिए वन प्लस आइटा स्केयर प्लस आइटा 4 से रुक दिए तो बच्चों कितना आया, तो देखो 2n है ईवन तो होना कि सानू पता नहीं भी n किन्ना है, सानू पता नहीं बच्चों n किन्ना है, यह आया वन माइनस वन प्लस वन आना, तो बच्चों आया वन, तो जे बच्चों पर रुकिए कि नहीं वन प्लस आइटा स्केयर प्लस आइटा 4 प्लस आइटा 6 से रुकिए तो बच्चों कितना आया, तो आया वन माइनस वन प्लस वन तो ना कि जी ये आया बच्चों माइनस वन, तो आया बच्चों जीरो। हूँ आंसर कितना आता जा बच्चों जीरो आना तो जा वन आना, ओके क्लियर ठीक है, जा जीरो आएगा बच्चों जा वन आएगा, पॉजिटिव नहीं आना क्योंकि पॉजिटिव जीरो नहीं आता, तो बच्चों ऑप्शन ए नहीं आनी, क्लियर ओके okay, क्योंकि बच्चों जीरो भी आ रहे हैं ना, जो जीरो आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव नहीं है वो जीरो, ठीक है वो नॉन नेगेटिव है जीरो, बच्चों नेगेटिव भी नहीं है कल्ला जीरो भी नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि पता क्या कभी आंसर जीरो आंदा कभी बच्चों वन आ रहा, कभी जीरो कभी वन कभी जीरो कभी वन, ये ख्याल रखियो। सो बच्चों इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट बच्चों द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन, ओके ताकि ए वन आ जाए कोई चक्कर नहीं, बच्चों पहले वन प्लस आइटा ओवर वन माइनस आइटा ये होंदा कितना है, देखो बच्चों इन करो रैशनलाइज करिए, वन प्लस आइटा ओवर वन प्लस आइटा ये आ गया वन प्लस आइटा का होल स्केयर ओवर वन स्केयर माइनस आइटा स्केयर, वन प्लस आइटा स्केयर प्लस टू आइटा ओवर वन प्लस वन, बच्चों वन माइनस वन प्लस टू आइटा ओवर टू कटेगे बच्चों इट इज इक्वल टू आइटा, तो बच्चों आइटा की पावर मिनिमम है वन फोर ताकि वन हो जाए, तो बच्चों आंसर इज फोर। बच्चों द कंजुगेट ऑफ द कंपलैक्स नंबर दिस, ठीक है जी, तो बच्चों अच्छा ये पूछा द कंजुगेट ऑफ ए कंपलैक्स नंबर इज दिस दैन द दैन दैट कंपलैक्स नंबर इज, कोई गल नहीं ओके okay, मतलब ये है कि ए किसी कंपलैक्स नंबर का कंजुगेट है, असि मल्ले जेड का कंजुगेट है, यह है वन ओवर आइटा माइनस वन इट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन माइनस आइटा,
माइनस वन ओवर वन माइनस आइटा इंटू वन प्लस आइटा ओवर वन प्लस आइटा, क्लियर, माइनस वन प्लस आइटा ओवर वन स्केयर माइनस आइटा स्केयर माइनस वन प्लस आइटा ओवर वन प्लस वन, इट इज इक्वल टू किना, बोलो जी, ये आ गया अपने को वन प्लस आइटा ओवर टू, मतलब ये आ गया अपने को वन बाय टू माइनस द माइनस आइटा बाय टू, तो देर फोर बच्चों जेड किना ना, पता किना ना, देर फोर, अच्छा लोड नहीं बनी, क्यों पता है, हाँ जी बच्चों द कंजुगेट, मैं लोड नहीं बनी बच्चों, लोड नहीं बनी, पता द कंजुगेट ऑफ ए कंपलेक्स नंबर वन ओवर आइटा माइनस वन देन द कंपलेक्स नंबर इज, ये लभना पा ठीक गल ही कोई नहीं, हूँ बच्चों पता क्या इसका कंजुगेट सानू पता ये आना वन ओवर ए मतलब भी जेड कंजुगेट है, ये है अपने को आइटा माइनस वन, तो बच्चों आप लभना यह है वन ओवर मतलब आइटा माइनस वन ही होया कोई गल नहीं, तो आप लभना जेड, तो बच्चों कि आएगा जेड कंजुगेट द कंजुगेट, हाँ तो बच्चों कि आएगा इट इज इक्वल टू वन ओवर माइनस आइटा माइनस वन, इट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर वन प्लस आइटा, तो बच्चों ऑप्शन डी इज करैक्ट आनी है क्योंकि इन्हें बदलिया नहीं, एक्चुअली आंसर देखो तो बच्चों आंसर दे बीच उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज ही नहीं किया, एक ख्याल रखियो, ओके जी नैक्सट बच्चों, हाँ जी ये देखो थोड़े वास्ते बच्चों होमवर्क है, अपने आप करियो, ईजी है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, क्वेश्चन होमवर्क है, अगे बच्चों यदा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, हूँ देखो जेड लिया आप माइनस आइटा, देर फोर वन ओवर जेड किन्ना आएगा वन ओवर माइनस आइटा, तो बच्चों थोड़ा दस्या हूँ मैं ये आइटा इन करो रैशनलाइज किता कि आ गया माइनस आइटा ओवर आइटा स्केयर, इट इज इक्वल टू माइनस आइटा ओवर माइनस वन एंड इट इज इक्वल टू आइटा, तो बच्चों ऑप्शन डी इज करैक्ट, तो बच्चों इदा मॉडुलस कोई दिक्कत नहीं, इन हल करो वन प्लस आइटा तो वन माइनस आइटा एलसीएम आया, बच्चों वन प्लस आइटा का स्केयर माइनस वन माइनस आइटा का स्केयर, तो बच्चों नीचे आ गया टू, क्लियर है, ऊपर कितना आया बच्चों वन प्लस आइटा स्केयर प्लस टू आइटा माइनस वन, बच्चों माइनस वन है ना, तो माइनस आइटा स्केयर प्लस टू आइटा, ये तो खैर वन वन कटेगी आइटा कटेगी, बच्चों कितना आ गया, ये आ गया फोर आइटा ओवर टू आ गया, इट इज इक्वल टू टू आइटा, तो बच्चों ये मॉडुलस कितना आना, इट इज इक्वल टू, क्या दिक्कत है, ओके नेक्स्ट बच्चों मॉडुलस ऑफ फाइव माइनस सिक्स आइटा, बच्चों जेड इज इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स आइटा, तो देर फोर जेड मोड इक्वल टू कि आ गया फाइव स्केयर प्लस सिक्स स्केयर इदा स्केयर रूट कि जी ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स का स्केयर रूट, इट इज इक्वल टू सिक्सटी वन का स्केयर रूट, ओके तो बच्चों ये सीगा थोड़ा थोड़ी एम सी क्यू कि बोलो जी कंपलैक्स नंबर दे ते नाले क्या बोलो जी सेल्स दे, आई थिंक तुम्हें बच्चों लैक्चर जरूर पसंद आया होना, सो बच्चों पढ़ते रहो कोशिश करते रहो क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ओके बच्चों बाय बाय।